Hello everyone, today we are going to discuss some theory of doubly reinforced beam. LSM method से singly reinforced beam के हमने approx 5 to 6 questions कर लिए हैं. So next video से हम doubly reinforced beam के questions करेंगे. इस video में हम doubly reinforced beam की theory cover करेंगे. जैसे हमने WSM में पढ़ा था, theory बिल्कुल same है, बस थोड़े से formula change होंगे. WSM में क्या होता था, जो स्टील थी उसको हम कंक्रीट के टर्म्स में चेंज करके देन सॉल्व करते थे. LSM में ऐसा नहीं होता. LSM में स्टील को हम स्टील मानते हैं एंड कंक्रीट को कंक्रीट मानते हैं. नो डबली रिइंफोर्स्ड बीम यूज क्यों करते हैं? इफ सेक्शन डाइमेंशंस आर गिवन एंड MU इज MU ज्यादा होना हो, अगर ग्रेटर देन MU लिमिट, प्रोविजन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन विल मेक द बीम ओवर रिइंफोर्स्ड. अगर डायमेंशंस फिक्स हो, उनको हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सके, एंड जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो, जो बैलेंस या लिमिटिंग स्टेट में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा? हमें पता है ऐसे केस में जो हमारा सेक्शन होगा वो ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा. ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हम पसंद नहीं करते हैं. हैंस सेक्शन डायमेंशन नीड टू बी मॉडिफाइड. या तो सेक्शन की डायमेंशन मॉडिफाई करो, और हायर ग्रेड ऑफ स्टील कॉन्क्रीट शुड बी यूज, या फिर हायर ग्रेड का स्टील या कॉन्क्रीट यूज़ करना शुरू करो. However, if section dimensions cannot be modified, अगर section की dimensions modified ना हो सके, we need to provide steel on compression side also, so that the neutral axis does not shift downward even by providing steel in tension greater than AST limit. So हम compression side में भी कुछ steel provide कर देंगे. ऐसा हम क्यों करेंगे? ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि tension side में जब हमारी steel AST limit से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा सेक्शन ओवर रिइंफोर्स्ड होने लगेगा, तो जो हमारी न्यूट्रल एक्सेस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेगी. तो उसको रोकने के लिए हमें कंप्रेशन साइड में भी कुछ स्टील प्रोवाइड करनी होगी. डस वी विल हैव टू प्रोवाइड डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन. इसीलिए हमें डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है. अगर इसी को फिगर से समझना चाहे तो देखिए, मान लो कि एक ये हमारी सेक्शन है, ये कैसा ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है. जब तक ये नीचे जो चार बीम्स हैं इतनी प्रोवाइड की जा रही, तब तक तो सेक्शन सही रहता है, बैलेंस सेक्शन रहता है. लेकिन हमें ज़्यादा स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ रही, तो हमारा सेक्शन कैसा हो जाता है? ओवर रिइंफोर्स सेक्शन हो जाता है. एंड अगर हम डायमेंशन चेंज ना कर पाए तो हम क्या एक तरह से जुगाड़ लगाते हैं. जुगाड़ क्या लगाते हैं कि पहले तो जो बैलेंस सेक्शन के लिए जो स्टील थी वो हमने प्रोवाइड कर दी, उसको हम AST 1 या AST लिमिटेड मान लेते हैं. देन उसके बाद जो ये वाली जो एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करनी वो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इसके रिस्पांस में भी हम कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड कर देंगे. तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा जो हमारा सेक्शन है वो ओवर रिइंफोर्स्ड नहीं होगा. ना अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो अब हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? देखिए, मोमेंट लिमिटेड, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटेड स्टेट में प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो एक्स्ट्रा वाला डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा है, जो एक्स्ट्रा स्टील हमने प्रोवाइड किया. एंड जो AST भी होगी, अब वो हमारी सिर्फ AST नहीं रही, उसको हम दो पार्ट्स में टूट सकते हैं. एक तो AST 1 एंड एक AST 2. AST 1 को हम AST लिमिटेड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड स्टेट या बैलेंस सेक्शन के केस में हमने प्रोवाइड किए ना. नाउ जब डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन को हमें एनालिस करनी होगी तो हम क्या करेंगे? जैसे ये इस तरह से हमारा सेक्शन है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. एक तो इस तरीके से जो बैलेंस सेक्शन वाला सीन है वो बना लेंगे, एंड एक जो हमने एक्स्ट्रा बनाई है वो अलग कर लेंगे, ठीक है. तो इसको हम जो हमारी सिंगली रिइंफोर्स्ड थी बिल्कुल वैसे ट्रीट कर लेंगे. इसके लिए हमें देखना पड़ेगा. नाउ अगर स्ट्रेस डायग्राम की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, ये सिंस हमारी सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की तरह है, तो वही सिंगली रिइंफोर्स्ड का जो डायग्राम था उसकी तरह बन जाएगा स्ट्रेस डायग्राम. इसकी बात करें तो इसमें देखिए, ये सिर्फ हमने ना इसमें यहाँ पे ये पूरा कॉन्क्रीट हुआ है, यहाँ पे ये जो खाली एरिया है इसमें कॉन्क्रीट नहीं, कॉन्क्रीट को तो हमने इसमें ले लिया, इसमें बस यहाँ पे स्टील है जो हमने कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड की, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड की यानी AST 2 बस वही है. तो इसके कंपेयर में इसके लिए जो स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो सेमी स्ट्रेस लगेगी, क्योंकि ये टेंशन जोन में है, तो सेमी स्ट्रेस 0.87 FY लगेगी. बस ये एरिया इसका क्या हो जाएगा? AST 2. एंड इसके लिए जो हमारे कंप्रेशन जोन में स्टील है, इसकी जो स्ट्रेस होगी वो FSC होगी. देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस को कंक्रीट में नहीं चेंज कर रहे, जैसे स्ट्रेस जो स्टील की होती है वही लिख रहे हैं. सो बस यही ध्यान रखना कि हम इसको थोड़ा सा तोड़ के सॉल्व कर रहे हैं. एक बार इसको हम बैलेंस सेक्शन के रूप में तोड़ लेते हैं, जो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बन रही, और एक जो एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड की वो इसमें बस ये सेक्शन बना, इसके अंदर कोई भी कंक्रीट नहीं है, ये याद रखिएगा. बाकी बिल्कुल पुरानी तरीके से ही सॉल्व करेंगे. एक्चुअल डेप्थ फाइंड करेंगे, लिमिटिंग डेप्थ फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे, देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे. बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए एंड एक्चुअल डेप्थ निकालने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा.
बिकॉज ऑफ कंप्रेशन जोन में भी हमारी स्टील है. सो एक्चुअल डेप्थ के लिए क्या हम सी इंटू टी कर सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स इंटू इक्वल टू टेंसाइल फोर्स कर सकते हैं. टेंसाइल फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम ही रहेगा, बस ये जो अलग अलग है इनको हमने साथ ही रख दिया, ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू इक्वल टू ए एस टी ही रख दिया, क्योंकि इसको अलग करने की अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें. बस हमें कंप्रेसिव फोर्स का याद रखना, कंप्रेसिव फोर्स कहाँ लगेगा, कंप्रेशन जोन में, यानी ऊपर वाले जोन में. तो ऊपर वाले जोन के लिए देखिए, इसके लिए अगर हमने देखा था कि स्ट्रेस कितनी लगेगी इस पूरे के लिए, 0.36 FCK इंटू एरिया, एरिया कितना, ये पूरा एरिया जो कंप्रेसिव फोर्स का एरिया है, XU इंटू V, ठीक है, ये XU अगर इसकी डेप्थ है इंटू V हो जाएगा. लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे हमने दो होल्स बना रखे हैं, होल्स में अब कॉन्क्रीट नहीं है, स्टील है, तो हम कॉन्क्रीट तो है नहीं, तो कॉन्क्रीट के लिए तो माइनस करना होगा. तो एक बार जो ए एस सी एरिया है, मान लो इसका एरिया ए एस सी है, तो ए एस सी एरिया इंटू जो कॉन्क्रीट की स्ट्रेस है उसको माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्क्रीट नहीं है, तो कॉन्क्रीट के लिए माइनस करना होगा. रियल में है क्या, यहाँ पे स्टील है, तो स्टील के लिए यहाँ पे प्लस करना होगा. तो ए एस सी इंटू स्ट्रेंथ ऑफ स्टील लिखना है, यहाँ पे जो स्ट्रेस लिखी है वो हमने कॉन्क्रीट की लिखी है, जब प्लस करेंगे तो स्टील की लिखेंगे. सो बस ये वाले जो प्रोसेस है इसको ध्यान से देखना है, कि एक बार टोटल के लिए लिख दो, लेकिन टोटल तो कॉन्क्रीट है नहीं, कुछ होल्स भी है, तो होल्स का माइनस कर दो, एंड होल्स में क्या है स्टील, तो उसके लिए प्लस कर दो. तो टेंशन में जो स्टील प्रोवाइड है उसमें वो तो सिंपल सा वही रहेगा, जैसे डब्ल्यू एस एम में था वैसे यहाँ पे भी रहेगा. देन जो लिमिटिंग डेप्थ निकालने के, हमें पता है अगर हमारे Fe 250 दे रखा है तो हम लिमिटिंग डेप्थ 0.53D मानेंगे, अगर 415 है तो 0.48D, अगर 500 है तो 0.460, इससे हम लिमिटिंग डेप्थ फाइंड कर लेंगे. देन सिंपल सा इनको कंपेयर करना है, कंपेयर में हम देख लेंगे कि हमारा सेक्शन कैसा आ रहा है. नाउ जैसा हमारा सेक्शन होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम अपना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. नाउ अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कॉन्क्रीट बात करें, तो देखिए ये जो कॉम्प्रेसिव फोर्स था बिल्कुल वैसे ही इसको याद रखना. देखिए पहले क्या किया हमने, जो टोटल था वो लिख लिया, जो सिंगली रीइंफोर्स्ड के लिए था वही लिख लिया, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर. देन हमारे टोटल तो कंप्रेशन, टोटल तो कॉन्क्रीट है नहीं, कुछ होल्स भी है, तो होल्स वाला माइनस कर दिया, ठीक है, होल्स वाला हमने यहाँ पे माइनस कर दिया. बस जो ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये लीवर आर्म है, लेकिन यहाँ पे जब ये स्टील के लिए हम माइनस करें ना, यहाँ का कंक्रीट माइनस करें तो लीवर आर्म क्या हो जाएगी, देखिए ये और ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लीवर आर्म हो जाएगी, जो कि हमारी डी माइनस डी सी हो जाएगी. देखिए टोटल डी है, ऊपर का कवर माइनस कर दो तो डी माइनस डी सी हो जाएगा, एंड देन फिर हम वहाँ पे चूँकि स्टील है तो स्टील के लिए प्लस करेंगे, तो सो फोर्स इंटू लीवर आर्म. तो बस ये याद रखना, एक बार टोटल के लिए लिख लेंगे, ठीक है, जैसे सिंगली रीइंफोर्स्ड में रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जो होल्स हैं उसके लिए माइनस कर देंगे, देन जो वहाँ पे होल्स की जगह पे स्टील पड़ी है तो उसके लिए प्लस कर देंगे. बस ये याद रखना कि ये वाले जो लीवर आर्म है वो अलग है, एंड ये दोनों लीवर आर्म अलग है, ठीक है. ये यहाँ पे देखिए लीवर आर्म क्या होते हैं, ये जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है इसको मान लो कि ये यहाँ पे लग रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लीवर आर्म होगी इस केस के लिए, लेकिन इस केस के लिए जो लीवर आर्म होगी वो डी माइनस डी सी होगी. इसी तरीके से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से स्टील निकालेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके निकालना है. इसके लिए जो ए एस टी वन है उसके लिए अलग निकलेगी, और यहाँ पे ए एस टी टू उसके लिए अलग निकलेगा, ठीक है. ए एस टी वन में जो हमारी लीवर आर्म होगी वो देखिए इस केस में जो लीवर आर्म है वो क्या है, डी माइनस 0.42 XU, एंड इस केस में जो लीवर आर्म है वो हमारी क्या है, डी माइनस डी सी. लीवर आर्म याद रखिएगा जो हमारे ये दोनों कपल बनाते हैं ना, इनके बीच की डिस्टेंस. नाउ जो हमारा ये डबली रीइंफोर्स्ड केस है, इसमें एक नया टर्म आया है, डेट इज FSC, जो हमारा स्टील इन कंप्रेशन जोन है उसकी स्ट्रेंथ. तो उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एक टेबल दे रखी होगी, लेकिन टेबल किस टर्म्स में दे रखी होती, पहले हमें उसके लिए स्ट्रेन निकालना होता है, फिर स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग हम टेबल देखते हैं. सो फॉर्मूले से हम स्ट्रेन निकालेंगे, स्ट्रेन निकालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस देख लेंगे, वही हमारी FSC की वैल्यू होगी. बाकी छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अपने क्वेश्चंस के साथ देखते जाएंगे. आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी. थैंक यू.